सत श्री अकाल मित्रों, की हाल चाल है। करते हैं नवी वीडियो की शुरुआत। तो अज आप वीडियो के बनावांगे कड़ाह प्रसाद। कड़ाह प्रसाद पूरे पंजाबियों को पता ही है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अपने गुरुद्वारे है। तो जदों भी आप गुरुद्वारे विजिट करते हैं तो प्रसाद के कड़ाह प्रसाद मिलता है। तो कड़ाह प्रसाद अगर थोड़ा घर के खाने दिल करे तो घर के बना सकते हो, बड़े आसान तरीके बनता है। तो कड़ाह प्रसाद आप बनाने कि चीज़ों की जरूरत पेगी, आज मैं थोनों दस। तो मित्रों आप की करना है, एक आप ले लेना पैन, ठीक है। पैन आप लो फ्लेम के उपर रख लेना। एक गिलास आप पानी ले लेना। एक कड़छी आप आटे की ली है, एक कड़छी देसी घ्यो की ली है, और एक कड़छी आप की है खंड की ली है, और नाल आप ड्राई फ्रूट लिया। कड़छी अपनी इदा की नॉर्मल हरेक के घर होंगी है, तो तुम लै लेना। सब तो पहला आप पैन एक बर्तन आप गैस के उपर चला लिया, तो आप फ्लेम थोड़ी जी वधा देंगे ता जो अपनी ये जल्दी बन जूगी। तो शुरुआत करते हैं आप। सतनाम श्री वाहिगुरु। तो एक गिलास आप पा लिया, तो पानी पाने तो बाद थोड़ा जा पानी गर्म आप होंगे, वेट करा थोड़ा जा पानी जो गर्म हो जूगा। उस तो बाद जी आप खंड ली आ, तो खंड आप जो अपना इधर पानी जो तक गर्म हों आप दूसरी साइड के उत्ते एक कड़छी चढ़ा लाँगे। उन्हें आप करा जो आप देसी घ्यो लिया तो उस देसी घ्यो न आप पावे। सतनाम श्री वाहिगुरु। लो देसी घ्यो आप पाता। देसी घ्यो थोड़ा जहा ज़्यादा लगता हों, आप जो कड़ाह प्रसाद की देग बनाने तो थोड़ा जहा ज़्यादा घ्यो लगता। तुसी अगर देसी घ्यो दे बनाओगे तो इन्ना ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस तो बाद जो अपने गर्म हों, इधरले पास पानी रख्या होया गर्म नहीं, तो पानी अपना थोड़ा जहा गर्म हो लग गया, मोस्टली गर्म हो ही गया। सतनाम श्री वाहिगुरु। तो आप देखियो खंड इन पाती है, तो उदों तक आप इधर करते हैं, तो उदों तक अपनी जी चासनी बन के तैयार हो जूगी। तो हूँ आप पावे आटा। सतनाम श्री वाहिगुरु। एक कड़छी आप आटे की पाती, तो कड़छा पाने तो बाद इनू आप हिलावे। मिक्सचर तुसी पतला तैयार करना, तो आटा तुसी एक बारी नहीं पाना, कोशिश करो तुसी थोड़ा थोड़ा करके आटा पाओ, क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा करके आटा पाओगे तो थानू क्वांटिटी का भी पता लग जूगा। तो घ्यो के अकॉर्डिंग कई बार होंगे घ्यो अपना ज़्यादा हो जाता, आटा घट हों, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा क्वांटिटी का पता लग जूगा, नाले अपने आटे गिल्टियां नहीं बनगियां। तो इधर देखो अपनी चासनी रेडी हो रही है, तो इधर अपना मिक्सचर तैयार हो रहा। तो तुसी इदा हिलाई जाना, तो जो ये ब्राउन कलर का हो जाए थोड़ा मिक्सचर कड़ाह प्रसाद, जो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाए तो उस तो बाद आप करा थोनू मैं दसदा। देखो इदा का थोड़ा कड़ाह प्रसाद होगा, सारिया ने तुम गुरुद्वारे के कड़ाह प्रसाद खाधा होना, बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। तो आटा पा अपना कड़ाह प्रसाद आ, देखो इदा आप भुन लिया, तो कड़ाही है जी अपना घ्यो या तेल छड़न लग जाती है, तो उदो अपन पता लग जाता कि अपना जोड़ा मिक कड़ाह प्रसाद है तैयार होना स्टार्ट हो गया। तो इधरली साइड देखो अपनी जी खंड भी है घुल चुकी है, तो इधरले पास अपना कड़ाह प्रसाद जो हैगा ब्राउन कलर का हो गया। देखो अपना जो कड़ाह प्रसाद है बिल्कुल अपना रंग चेंज कर गया,
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਚਮਚਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਨ। थोड़ा थोड़ा करके आप चाशनी वाला जो तैयार किए पानी वो आपां विच पावांगे तां तुसीं थोड़ा आपदा हाथ दूर रखना क्योंकि जो आप पावांगे तां कढ़ाई गर्म हुंदी है तां वो इदां करूगी। तां देखो नाल नाल उदां चमचा तुसीं कढ़ाई दे विच हिलाउंदे रहना तां जो अपनियां जिहड़ियां गिलटियां ना बनन। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ। अगर जे कोई मेरा वीडियो मेरी बाहर का देखता हो तो इन आप कड़ाह प्रसाद भी कह दें और इन आप हलवा भी कह दें। पहली गल ऑलमोस्ट सबनों पता ही होगा अपने पूरे ऑल वर्ल्ड के जिन्हें भी गुरुद्वारे आ हरेक गुरुद्वारे के अपनों कड़ाह प्रसाद की देग प्रसाद के तौर के उपर मिलती है तो सारिया ने अपना कड़ाह प्रसाद जो खाधा ही होना तो सारियां इस चीज़ का पता ही होना। देखो इदा आपां विच चमचा हिलाउंदा रहना नहीं तो इदां दीआं अपनी गिलटियां बन सकदियां अगर जे तुसीं चमचा ना हिलाओगे तो। आपां इहदे विच ड्राई फ्रूट भी पावांगे अगर तुसीं पाना चाहते हो तो पा सकते हो अगर नहीं पाना चाहते तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं पर आपां स्वाद दे अकॉर्डिंग आपां इहदे विच अपना ड्राई फ्रूट पावांगे। तो ड्राई फ्रूट दे विच आपां जो बदाम वो बरीक बरीक करके कट लिया नाल सोगी अपने कोल ते दोनों चीज़ां आपां कट लिया ते उस तो बाद आपां इहदे विच पा देंगे पर जो पाने मैं तुहानू दसूँगा जो अपना कड़ाह प्रसाद जदों का ओ आपदे उन्दे शेप दे विच आजूगा आपां उस टाइम की है ड्राई फ्रूट विच पाउणा है। आ देखियो अपने कढ़ाई दे नाल सारा घिओ छड्डन लग गया तो इहदा मतलब अपना जिहड़ा कड़ाह प्रसाद आ उह तैयार हौली हौली हो रहा है। अगर जे ना घिओ छड्डे तो इहदा मतलब तुसीं थोड़ा टाइम इहनूं होर हिलाउणा चम्मच विच हिलाउंदा रहना। देखो इन्नी क ज़्यादा कड़ाह प्रसाद की खुशबू आ रही है ना गुरुद्वारे जिहड़ा कड़ाह प्रसाद मिलता उदा सेम तो नहीं अपना बनया पर उन्दे वर्गा ही बनया और खुशबू इन्नी ज़्यादा वधिया आ रही है बहुत ज़्यादा वधिया ते खा के तुहानू मैं दसूँगा किदां दा बनया। एक होर जरूरी गल है जदों भी आपां कड़ाह प्रसाद बनाउणे आ तां उस टाइम आपां वाहिगुरु दा जाप जरूर करना है क्योंकि जिन्हें भी अपने ऑलमोस्ट पंजाबी आ जदों भी वह कड़ाह प्रसाद की देख बनाउंदे आ जां गुरुद्वारे दे विच बनदी आ तां उत्थे वाहिगुरु का सिमरन जरूर नाल करदे आ। तां तुसीं भी जदों कड़ाह प्रसाद बनाओगे तो वाहिगुरु का सिमरन जरूर करना है। अगर तो जदों तुसीं वाहिगुरु का सिमरन करोगे तो तुहाडा हलवा इन्ना क ज़्यादा स्वाद बनूगा तुसीं हलवा खा के तुहानूं अपने आप पता लग जूगा जे तुसीं सिमरन दे नाल हलवा तैयार करोगे हलवा बनाउंदे नाल सिमरन करोगे तो जिहड़ा हलवा की है कढ़ाई दे नाल आ देखो साइड ते जे तुहानूं दिख रहा होगा तो घिओ छड्डना अपना स्टार्ट हो गया। देखियो
तो अपना जो है कड़ाह प्रसाद की देग अपनी बन के इस टाइम रेडी हो चुकी है। तो हूँ आप ड्राई फ्रूट पावांगे। पहला आप सोगी पा देंगे, उस तो बाद आप जो बादाम आप बरीक कटिया हुआ सीगा बादाम पा देंगे। ड्राई फ्रूट जरूरी नहीं तुसी पाउना ही है, तुहाडे उपर है, जे तुसी विच पाउना चाहुंदे हो तो पा सकते हो ड्राई फ्रूट, अगर नहीं तो तुसी बिना ड्राई फ्रूट दे भी बना सकते हो। तो देखो इधर घ्यो, देखो कढ़ाई किदां घ्यो छड़ रही है। तो अपना जिहड़ा कड़ाह प्रसाद की देग है, जे आप हलवा भी कह दें तो अपनी बन के इस टाइम तैयार हो गई है। तो कड़ाह प्रसाद की देग अपनी बन चुकी है, तो इन्नी कु ज़्यादा सोहनी बनी है और इन देखने से इन्नी कु ज़्यादा वधिया लग रही है। तो तुसी भी सारे आपके घर के बना सकते हो, तो आ जाओ आप करते हैं। बोलोगे तुसी कोई ते मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा होया पिया, तो आप मम्मी ने पहला करने चेक कराओ। मीह का मौसम है तो बेटे ने हलवा बनाया, तो हलवा हूँ आप खा के वेखते हैं किन्ना कु इन्हें स्वादिष्ट और टेस्टी बनाया। तो लो जी, तुसी भी सच्चे पातशाह का नाम लैके इसनू सर्व करो। जिहड़ा ये हलवा बेटे ने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया, परमात्मा इस तरक्की बख्शे ता कि अगली पीढ़ी चढ़ती कला दे विच रहे, सच्चे पातशाह इनू तंदुरुस्ती दे। नहीं ओए गगन तू भी खा ला, सॉरी जड़ कटती बना सकते हो। जे थोनों मेरी वीडियो वधिया लगी हुई तो प्लीज़ मेरी वीडियो नो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और चैनल नो जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि थोड़ा एक सबसक्राइब और एक लाइक बंदे नो मोटिवेट करता वीडियो बनाने लई। तो प्लीज़ तुसी मेरे चैनल नो सबसक्राइब जरूर करो। आप सिद्धू साहब तो रिव्यू लेने कि हलवा किदां दा बनया होया, खा के चेक करते हैं जी किदां दा बनया होया। बहुत ही वधिया बनया होया। तो अज मैं भौजी कोले आया सीगा, तो उन्होंने बेटे ने मैनू बना के खवाया, बहुत ही टेस्टी है, तुसी भी घरे बनाओ ते खाओ।